नमस्कार जी, मैं मंजू। आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो गार्डनिंग में अपना नया नया हाथ आजमा रहे हैं। तो जब हम शुरू शुरू में नए जब गार्डनिंग सीखते हैं तो हमसे इतनी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हमारे मर भी जाते हैं, और कई बारी जो सीड लगाते हैं वो नहीं चलते हैं। और इन सब चीज़ों में मिट्टी बनाना, हर एक चीज़, जैसे पानी हो, कितनी धूप चाहिए, किस तरह से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, तो उन चीज़ों का भी हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर सही तरीके से हम उनका इस्तेमाल ना करें तो हमारे जो प्लांट्स हैं ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने जो मेरे भाई बहन शुरू से मेरे चैनल के साथ, पुराने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जानते होंगे कि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। और नया चैनल जो मैंने अभी खोला है, तो उसको खोलने का मकसद मेरा यही था कि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो गार्डनिंग से रिलेटेड होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूं, ताकि जो नए सीख रहे हैं भाई बहन, उन्हें कोई मुश्किल ना हो सीखने के लिए, तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से वो अपने गार्डन में रिजल्ट पाएं। तो खैर, हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। एक बारी गलती हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम हम ये ध्यान में रखते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट और होती है, फिर थोड़ी थोड़ी और, धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर हमें काफ़ी कुछ जो है हम सीख चुके होते हैं, और फिर आगे ये गलती नहीं होती है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैं पेस्टिसाइड के लिए बात कर रही हूँ। तो एक बहुत ही कॉमन जो पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में करती हूँ, सोपी वाटर का इस्तेमाल। तो सोपी वाटर का आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे पुराने, कि किस तरह से मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि बताया जाता है कि माइल्ड सोप होना चाहिए, जहाँ बेबी शैम्पू वगैरह ले लो, तो 1-1.5 लीटर में 3-4 ड्रॉप्स ही उनकी डालनी होती हैं। तो ये मत सोचें, अगर कि आप ये सोचें कि हम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ की जो है अपनी एक लिमिट होती है, कितनी क्वांटिटी में डालना है उतना ही डालना चाहिए। अगर ज़्यादा हम उसका उसको क्वांटिटी में उसको डाल देंगे तो फिर उसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो मैं वो आज आपको दिखाऊंगी। तो मैं कल वीडियो बनाने वाली थी, मैं फिर टाइम नहीं निकाल पाई, तो मैंने कहा चलो ये जो नए मेरे भाई बहन सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये शेयर करती हूँ। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बरसात के जो टाइम बहुत सारे कई तरह के जो है कीड़े आ जाते हैं और गार्डन को ख़राब कर जाते हैं, तो उनके बीच में, तो जैसे मैं कई बारी बारिश आ जाती है तो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। पर अब जैसे मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही है, बादल आते हैं चले जाते हैं, बारिश जैसा मौसम बनता है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे थोड़ा ठहराव आ गया है, धूप बीच में तेज़ निकलती है, तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और मेरे बहन भाई भी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये मैं फ्लावर्स नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपना एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी। तो मेरे गार्डन में ये, जैसे ये मेरे किचन में हमेशा ये मैं प्रिल का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो गार्डन में मैं भी इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके किचन में होता है। तो ये जो चाहे माइल्ड चीज़ का इस्तेमाल, सोप का इस्तेमाल बताते हैं, पर उनका भी जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, जितनी बताई गई हो उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये फूल मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, ये मेरा हेल्दी प्लांट है और मैं इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया है वो दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो ये 10 इंची के पोट में, 10 या 11-12 इंची का पोट होगा, तो इसमें ये मेरे वाटर लिली बड़े ही खूबसूरत, और इनकी पत्तियों का साइज़ देखिए। तो एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया है कि जैसे मैं 1-1.5 लीटर पानी में जो मैं लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ, सोप लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन में, वही मैं गार्डन में करती हूँ। तो इस बारी मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला, तो अगर ज़्यादा डालें तो फिर क्या रिजल्ट रहते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो ये पत्तियाँ देखिए कितनी हेल्दी हैं, बहुत साफ सुथरी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, और ये मैंने इस तरफ डाला है, ये देखिए। अब ये देखिए पत्तियाँ, ये देखा आपने, ये बर्न हो गई हैं बिल्कुल, ये ऐसे हो गई हैं, जहाँ जहाँ पे ये गिरा बिल्कुल ऐसे बर्न हो गई हैं। तो कीड़े वगैरह ने जितना तो ख़राब करने हैं उतने ख़राब किए हैं, पर अगर हम पेस्टिसाइड सही मात्रा में नहीं डालते हैं तो वो फिर हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो ये देखा, ये है, ये
ज़्यादा जो, तो आप सोचें कि अगर दो तीन तीन चार ड्रॉप्स बताई, यानी हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना बोला जाता है आप उसी का जो है उतना ही इस्तेमाल करें। तो आपके किचन में मुझे नहीं मालूम कौन सा जो लिक्विड सोप आता है, जहाँ आप अपने गार्डन में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप एक प्लांट पे पहले करें, फिर 3-4 दिन उसके रिजल्ट देख लें, अगर सही रहता है तो फिर उस क्वांटिटी में करें। तो ये सब रिजल्ट मुझे दिखाने थे, ये सिर्फ नए भाई बहनों के लिए जो सीख रहे हैं। तो ये देखा, इस पे किया और जिन पे ये नहीं किया, तो ये फ़र्क है। तो और भी मैं दिखाती हूँ, बाकी ये हेल्दी मेरे बालसम के प्लांट हैं, इनमें मैं नहीं करना चाहती, सिर्फ दिखाने के लिए। हल्के से कहीं कहीं जो छिट्टे पड़े हैं, तो ये देखिए ऐसे बर्न हुए हैं, इस तरह से ये बर्न हुए हैं, ये ऐसे बर्न हुए हैं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इस पे मैंने। और तो और ये जो मिर्चों के प्लांट, कितने ये मिर्च जो है बड़ा ही हार्डी प्लांट है, इस पे ढेर सारी मिर्ची आ रही थी, तो ये देखिए एकदम से पत्तियां पीली हो गई और ऐसे झड़ गई। और तो और ये जो फूल, नया फूल था इधर, ये फ्लावर बर्ड्स ये नए बने हुए थे, तो वो भी एकदम से ऐसे सूख गए। ये देखिए ये पूरे ऐसे, ये यहाँ यहाँ पे ये जो सोपी वाटर जो ज़्यादा, मतलब मैंने ज़्यादा डाला, सिर्फ एक्सपेरिमेंट था ये दिखाने के लिए। तो ये पत्तियाँ ये पूरी, ये देखो झड़ी हुई, ये मैंने डाल दी हैं इसमें। और ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मत आप सोचें कि जब इस्तेमाल करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे पता नहीं बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। यहाँ यहाँ गिरा वो पत्तियाँ, ये ऐसी हो गई हैं इस तरह से। तो एक दो प्लांट्स भी मैंने जैसे और दिखाने के लिए किया, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए, इसी तरह से जैसे मेरी ये रेड चुलाई, इस पर थोड़ा सा जहाँ जहाँ गिराया मैंने, और ये हेल्दी मेरे जिनिया प्लांट्स, तो ऐसे ये फ़र्क पड़ता है। हालांकि जो पत्तियों पे जहाँ गिरा है, पौधे पे कोई नुकसान हमने मिट्टी में नहीं डाला है, हमने सिर्फ ये, तो इसकी तो न्यू न्यू ये लीव्स आती रहती हैं, तो ये ढेर सारे फ्लावर वर्ड्स ये आपने मेरे वीडियो में देखा होगा खिल रहे हैं, तो ये इनको मैं चलने दूंगी, ऐसे भी चलने दूंगी। अगर मैं हटा देती हूँ तो ये न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं, तो पत्तियाँ जरूर ख़राब हुई हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने नहीं डाला। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इस्तेमाल करना है जितना क्वांटिटी आपको चाहिए, तो आप अपने घर में देख लें जो लाते हैं वो किस तरह का है, कितना स्ट्रोंग है। हाँ, अगर ज़्यादा स्ट्रोंग है तो स्ट्रोंग का तो हम बोलते नहीं है, माइल्ड, जितना भी माइल्ड हो फिर भी ज़्यादा क्वांटिटी में तो ख़राब ही रहता है। तो ये बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, चाहे आप बीवी शैम्पू का इस्तेमाल करें और चाहे तो आप माइल्ड लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, पर करें उतना ही ज़रूरत के अनुसार, उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के टाइम जब सूरज छुप जाता है उस टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कई बार किया हुआ है, तो मैं तो अपने गार्डन में यही इस्तेमाल करती हूँ। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बात आप समझ गए होंगे, और मेरा एक्सपेरिमेंट करने का क्या मकसद था ये भी आपको पता चल गया होगा। नमस्ते जी।